हाँ देखिए, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में है, चूंकि आयोग से भी हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे भी हम इस संबंध में जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे पूरी परीक्षा की क्या प्रक्रिया थी, पेपर कहाँ प्रिंट होते थे, उसकी जिम्मेदारी किसे थी, वहाँ की CCTV फुटेज का भी अवलोकन करना है। लेकिन अभी तक जो दो कर्मचारी हमें जो प्राइवेट एजेंसी जिसको आउटसोर्स में ये काम मिला था गोपनीय कार्य के लिए, उनके दो कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं, तीनों पालियों के पेपर आउट हुए हैं। ये थोड़ा सा व्यापक पैमाने को देखते हुए काफ़ी अहम हो जाता है कि कहीं ना कहीं उन दो कर्मचारियों के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य भी कोई नेटवर्क में जुड़ा हो जिसने इस पेपर को वहाँ से लीक कराया हो। साथ ही बात रही कि अन्य राज्यों से इसके कनेक्शन है कि नहीं है, चूंकि आउटसोर्स कंपनी अन्य राज्यों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो प्रिंटिंग के रूप में दे रहे हो, लेकिन क्या उनके द्वारा कोई परीक्षा से रिलेटेड कहीं पर कोई कार्य किया जा रहा नहीं किया जा रहा, इसमें भी हमने नोटिस किया हुआ है जो उनके ओनर्स हैं, जिससे हमें पता चल सके कि उनके कार्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है।